क्या क्या घूर रहे हो? सिंह लगे मेरे सर पे? पकड़ो इसको। पागल हो गए सबके सब? अरे भागता कहाँ है? मुझे मारोगे? मारो मुझे। Nobody will touch him. मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। मारो 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 रवि वर्मा। ये बदबू कैसी है? चूहे, चूहों ने गंदा किया है इन्हें। अब क्या करें इनका? करना क्या है, साफ पेंट के बीच में रख के पार्सल कर दो, रास्ते में सूख जाएगा। ये ठीक नहीं है। मैं इस कंपनी का पार्टनर, मुझे मत सिखाओ सही क्या है गलत क्या है। 3,000 का घाटा होगा कौन उठाएगा? मेरे भाई, मैं और ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता। इस ब्लैक के टाइम में तुम्हारी कला फलक की किसको पड़ी है? जाओ पार्सल कर दो, चला दो इन्हें। मैंने उनके सपनों को धुआं होते देखा है, वक्त से पहले उम्र को ढलते देखा है, दुखते हुए दर्द को देखा है, लेकिन कभी हिम्मत हारते नहीं देखा। आइए। चिंतामणि जी आए। विराजी, हम कोर्ट केस वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ ईश्वर और जनता से माफी मांगनी होगी, अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। 5 दुधारू गाय ब्राह्मणों को दान करो, 11 दिन का उपवास रखो, 21 डुबकी गंगा में लगाओ और 31 दिन तक मंदिर की सीढ़ियां साफ करो। समझे? आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर मेरे भविष्य का फैसला कोर्ट ही करे तो बेहतर है। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अभी बहुत काम है। इतना मिथ्याभिमान, ये अंग्रेजी कोर्ट भले ही तुम्हें छोड़ दे, ईश्वर तुम्हें दंड देगा और वो तो बाद में, पहले जनता सजा देगी। मैं इंतजार करूंगा। सामान बांधो रवि वर्मा, बंबई में अब तुम्हारे दिन पूरे। जी, जैसा आप कहें। और तुम आइंदा कभी अपने इस मूर्ख कलाकार भाई के लिए मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। चलो कुछ उधर। पता करो कौन है। बकुबाई, आओ रघु। बोलो, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तू चल। अरे आज के दिन दुकान बंद रहती है ना, तो गया था मैं कानिया हजाम के यहाँ। अब लौटते हुए सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं। बड़ी मशहूर हो रही है तुम्हारी लड़की, ये देखो। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। कानिया हजाम ने लगा रखे हैं अपनी दुकान में ग्राहकों को खुश करने के लिए। मैंने 4 आने में खरीदे हैं कानिया से। 4 आने में खरीद ले सारे? कितना खरीदोगी बक्कू भाई, गली गली में तो बिक रहे हैं। बड़ी ने जो गुल खिलाना था खिला दिया, अब छोटी का जो कुछ तय करना हो कर लो, नहीं तो वो भी यहाँ से चली जाएगी। छोटी, अरे लकवा मारा है तो क्या हुआ, सीट तो है। शर्म नहीं आती? निकलो यहाँ से। शर्म? अरे हरामजादी, देखिए तूने क्या किया, मुंह काला कर दिया हमारा। रांड कही के? गिरा दो, बल्लू तो गिरा दो। अरे यार ये चांद क्यों आधा, अभी तो पूरा दिखा दे।
मैं जानता हूं। जानते हो? मुझे पूछा भी नहीं। प्रेस घाटे में चल रही थी तो मैंने अपनी पेंटिंग्स गिरवी रख दी, उसने छाप दी। और तुमने कुछ नहीं किया? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे बेच दिया। मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। I'm really sorry. तुम कितनी औरतों की पेंटिंग्स बना लो, पर एक औरत होना क्या होता है तुम कभी नहीं समझ पाओगे। सुगंधा, बदनामी का इतना ही डर था तो ये पेंटिंग्स बनाई क्यों? बच्चे हो, जानते नहीं हो समाज कैसा है, दुनिया कैसी है, हा? या फिर नाराज होने का नाटक कर रहे हो? ये सरासर धोखा है गोवर्धन दास। ये बिजनेस है, ये मत भूलना कि इन्हीं प्रिंट्स की वजह से तुम्हारा प्रेस बचा है, क्योंकि तुम बिजनेस में नहीं हो, पैसे कमाने का दर्द तुम समझ नहीं पाओगे। तुमने कभी कोई घाटा नहीं उठाया, तुम हमेशा से मुझे लूटते आए हो। 10,000 प्रिंट छापते हो, 5,000 का हिसाब देते हो, ऊपर से कमीशन खाते हो। सरासर बकवास है। अगर ये सच है तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं, अकाउंट्स क्यों नहीं चेक किया, धंधे को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने नाम और शौहरत की पड़ी है। धंधा चलाने में कितना खून पसीना एक होता है ये तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। जो कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेदार तुम हो, ये सारा खेल तुमने बिगाड़ा है। मैं ये सारा खेल ही खत्म कर दूंगा, बस बहुत हो गया। तुमने अभी तक मेरा कर्जा नहीं चुकाया रवि, ये सारा प्रेस मेरा है। Complete bed rest, I'm afraid. Your mind is battering your body.